आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे के बहुत ही टेस्टी कुरकुरे चटपटे समोसों की रेसिपी, जिनको बनाना बेहद आसान है। आप बहुत ही जल्दी बहुत सारे समोसे बनाकर तैयार कर सकती हैं। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से बनाइए तो ये आपको समोसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीमा, बेस्ट जायका विसीमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो इन समोसों को बनाने के लिए हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें 2 चम्मच हम तेल डाल देंगे। सरसों के तेल का मैं यूज कर रही हूँ। तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। इसी के साथ में 1 छोटा चम्मच डाल देंगे साबुत धनिया। 2 मिनट के लिए भून लेंगे। धनिया का टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा आता है, आप इसको ज़रूर डालें। जैसे ही ये दोनों चीज़ें भून जाएंगी इसमें मैं डालूंगी, ये मैंने ली है 4 हरी मिर्चें और थोड़ा सा मैंने लहसुन लिया था जिसको मैंने कूट लिया है। कूट कर डालेंगे तो इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप चाहें तो इसको काट कर भी डाल सकती हैं। 2 मिनट के लिए इसको भी भून लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया है। प्याज को हम इतना भूनेंगे जब तक कि ये ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे और लगातार चलाते हुए प्याज को भून लेंगे। तो चलिए इसको भून लेते हैं। और 2 मिनट के लिए ये देखिए प्याज को हमने भून लिया है, हल्का सा इस पर कलर आ गया है। इसमें हम डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच भरकर डाल देंगे धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर अच्छा कलर आने के लिए, चटपटे टेस्ट के लिए डालेंगे 1 चम्मच भरकर चाट मसाला। अच्छे से इसको मिलाएंगे, लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं। यदि आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसमें अमचूर पाउडर या फिर 1 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकती हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें हम डालेंगे, ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं जिनको मैंने मैश कर लिया था। इसको अच्छे से मिला देंगे आलू डालकर। अब इसमें जाएगा नमक स्वाद के अनुसार, मैं 1 छोटा चम्मच इसमें नमक का डाल रही हूँ। अब 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो आलू के साथ अच्छे से मिल जाए और हमारी स्टफिंग तैयार हो जाए। मैशर से थोड़ा सा इसको मैश कर देंगे ताकि जो इसमें मोटे पार्टिकल हो आलू के वो अच्छे से मैश हो जाए और जब हम समोसों को बंद करेंगे हमें कोई भी परेशानी ना हो। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी बहुत ही चटपटी स्टफिंग तैयार है। अब हम ले लेंगे एक बड़ा सा बाउल और इसके अंदर डालेंगे 1 कप भरकर गेहूं का आटा, जिससे हम खाना बनाते हैं घर में रोटी बनाते हैं वही गेहूं का आटा है, मेजरिंग कप से नाप कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच भरकर सूजी। सूजी इन समोसों को क्रिस्पी और कुरकुरापन देगी। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। इसी के साथ में 1 छोटा चम्मच मैंने अजवाइन ली है, इसको डाल देंगे मसल कर। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच भरकर, बड़े वाले चम्मच हैं, तेल के डाल रही हूँ। आप चाहें तो घी भी डाल सकती हैं। इससे हम मोयन तैयार करेंगे। मोयन डालने से जो हमारे समोसे हैं वो खस्ता बनकर तैयार होंगे। तो मुट्ठी बांध कर देखेंगे, अभी मोयन कम लग रहा है तो 1 चम्मच इसमें तेल की और डाल देंगे। अच्छे से मिलाएंगे और दबा दबा कर इसका मोयन तैयार करेंगे। देखिए मुट्ठी बांध कर देखेंगे जो मोयन है वो परफेक्ट है, हमारा जो आटा है वो बिल्कुल तैयार है। अब लेंगे हम पानी, अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसके अंदर और इसका एक सॉफ्ट आटा तैयार करेंगे। जैसा हम रोटी के लिए लगाते हैं उससे थोड़ा सा हमें सॉफ्ट आटा लगाना है। चलिए आटा लगा लेते हैं। आटा हमने लगा लिया है, अभी हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए और 5 मिनट बाद इसको अच्छे से मसल लेंगे। अच्छे से मसलने के बाद इसके हम 3 पार्ट कर लेंगे, बराबर बराबर भागों में इसको 3 भाग में हम बांट लेंगे और इसकी बड़ी बड़ी सी हमें लोई बनाकर तैयार कर लेनी है। लोइयाँ बना ली है, अब एक लोई को उठाएँगे, हल्का सा इसके ऊपर हम आटा डस्ट कर लेंगे। वैसे ये चिपकेगा नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा सा आटा हम डस्ट कर लेंगे और इसको हम बेल लेंगे, बेलन लेंगे और इसको बड़ा और पतला बेल कर तैयार करेंगे। जितनी पतली रोटी होती है ना बस उसी तरीके से इसको हमें बड़ा बड़ा और पतला बेल लेना है। तो देखिए हमने इसको रोटी जितना पतला बेल लिया है लेकिन बड़ी रोटी बनाई है। अब चाकू लेंगे, चाकू से पहले इसको 2 भाग में बांट लेंगे, उसके बाद इसके 4 पार्ट कर लेंगे। ये देखिए आप चाकू या पिज्जा कटर ले सकती हैं। अब इसको जिस तरीके से मैं काट रही हूँ इस तरीके से इसको बराबर बराबर 8 भागों में बांट कर हम तैयार कर लेंगे। अब हम इस पर रख देंगे स्टफिंग, ज़्यादा नहीं रखेंगे, 1-1 चम्मच भरकर हम इस पर स्टफिंग रख देंगे और इसको हल्का हल्का दबाते रहेंगे। चम्मच से ना रखना चाहें तो आप हाथों से उठाकर इसको थोड़ी थोड़ी स्टफिंग रख सकते हैं। सारे कोनों पर हमने स्टफिंग रख दी है। अब इस पर पानी लगाएंगे तो एक मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। दोनों किनारों को इस तरीके से पकड़ेंगे और इनको दबा देंगे। अब ये जो तीसरा किनारा है इसको उठाएंगे और इसको ऐसे रख देंगे ऊपर की तरफ, इसको दबाएंगे और दबाने के बाद अब जो ये बचे हुए किनारे हैं इनको भी हाथों से दबाते हुए बंद कर देंगे। अच्छे से बंद करेंगे ताकि जो अब हम इनको फ्राई करें तो जो स्टफिंग है बाहर ना निकले। तो एक तैयार है, एक और मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। दोनों किनारों को इस तरीके से उठाएँगे,
दबा देंगे। अब तीसरा किनारा उठाकर इसके ऊपर रखेंगे और इसको भी अच्छे से दबा देंगे। अब जो बचे हुए किनारे हैं इनको भी बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा समोसा तैयार है। सारे समोसे इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लें। अब तेल गर्म होने के लिए रख देते हैं गैस पर। तेल को हमें हल्का गर्म करना है, लो मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे। जैसे ही हल्का गर्म हो जाएगा एक एक करके इसमें समोसों को डाल देंगे। गैस की फ्लेम को लो मीडियम ही रखेंगे, हाई फ्लेम पर इनको फ्राई नहीं करना है। तो एक एक करके जितनी बड़ी आपकी कढ़ाई हो या पैन हो समोसे डाल दें। मैं एक बारी में 5 से 6 समोसे डाल रही हूँ। अभी इनको छेड़ेंगे नहीं, जैसे ही नीचे से थोड़ा सा सिक जाएंगे इनको इस तरीके से हिलाएंगे और हल्के हल्के हाथों से इनको पलट देंगे और लो मीडियम फ्लेम पर इनको अच्छे से क्रिस्पी होने तक और अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। इनको सेकने में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, आराम आराम से सेकें। और ये देखिए लो मीडियम फ्लेम पर हमने इनको अच्छे से पलटते पलटते हुए कलर आने तक फ्राई कर लिया है। अच्छा सा कलर आ गया है, बहुत ही बढ़िया हमारे समोसे बनकर तैयार हुए हैं, आपको देखने से ही लग रहा होगा। तो इनको निकाल लेते हैं और बाकी बचे हुए भी इसी तरीके से डाल देंगे और लो मीडियम फ्लेम पर इनको पलटते पलटते हुए बढ़िया सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो सारे समोसे हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो ये लीजिए तैयार है फटाफट से हमारे बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, क्रिस्पी और चटपटे समोसे, जिनको हमने गेहूं के आटे से बनाया है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बनाने में बेहद आसान है। आपने देखा भी कितनी जल्दी हमने कितने सारे समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। टेस्ट आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप बाहर के समोसे खाने छोड़ देंगे और इसी तरीके से घर में फटाफट से इन समोसों को बनाकर खाया करेंगे। तो आप इनको एक बार बनाकर जरूर ट्राई करना। बनाने के बाद यदि वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया कीजिए। कमेंट में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलेंगे नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।